देश भर के बच्चों ने 1 साल 2 साल और 3 3 साल तक कई बच्चों ने मेहनत करी जेई मेन और एडवांस के लिए, मगर जनवरी वाली परीक्षा ने टेंशन तो बच्चों को दिया है, क्योंकि उनको कई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं बने और घर पहुंचते से ही बन गए। ये तो कुछ अजीब सी घटना घटित हो गई, आपने पढ़ा फिर भी नहीं बना। अब बच्चे चाहते हैं कि उनका अप्रैल सुधर जाए, एडवांस सुधर जाए, मगर बीच में अटक रही है क्लास 12th की एग्जाम। और ऐसे में बिहार बोर्ड ने तो ऐसा गेम खेला कि बिहार के बच्चे एकदम बड़ी आसानी से देश भर के बच्चों को हरा देंगे, क्योंकि फरवरी की 7 तारीख को बिहार बोर्ड का आखिरी पेपर था पीसीएम ग्रुप के बच्चों का। और जरा सोचिए कि 6 अप्रैल को होने वाली है जेई मेन। लगभग 60 दिन बिहार बोर्ड का बच्चा जम के मेहनत कर सकता है, मगर उसको ये मेहनत सही दिशा में करनी है, क्योंकि कई बच्चे जो 1 साल 2 साल 3 साल कोटा पटना दिल्ली कानपुर जाकर मेहनत कर रहे थे, मेहनत तो वो भी कर रहे थे, मगर जनवरी ने कुछ खास जादू नहीं हुआ। तो अब क्या करना है, जो देश भर में ड्रॉपर बच्चे भी हैं उनके पास भी ये 60 दिन है और बिहार बोर्ड के बच्चों के पास भी ये 60 दिन है। इस 60 दिन में आपका टाइम टेबल रूटीन सब कुछ एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, एकदम सिलेक्शन देने वाले बच्चों जैसा। ऐसा नहीं कि बस अपनी मर्जी से कभी जो मूड हुआ सो किया, रेंडमनेस नहीं चाहिए, एकदम सीरियसनेस चाहिए। जैसे कि मेरी रेजिडेंशियल कोचिंग से 100% सिलेक्शन हो रहे हैं 2021-22-23। लॉकडाउन में मैंने यह सिस्टम चालू किया था, 2021 में मात्र 5 बच्चे मेरे पास रहे, उसमें से 2 IIT 3 NIT के लिए सिलेक्ट हो गए, यानी कि 100% सिलेक्शन। भोपाल के मैनेट में CSE मिल गया। और 2022 में 9 स्टूडेंट थे, 2 IIT 7 NIT, और 2023 में तो 99.75 वाले 2 स्टूडेंट जेई मेन के बीटेक में, और ऑल इंडिया रैंक जेई एडवांस 1794 CRL कॉमन रैंक लिस्ट, और जेई मेन का जो दूसरा पेपर होता है उसमें ऑल इंडिया रैंक 808, और एक बच्चा तो डबल ड्रॉपर आ गया था, इतना सीधा साधा और मासूम बच्चा, मगर सब्जेक्ट से डरा हुआ, कहता है कि आंसर आ जाए ना तो भी टिक नहीं करूंगा क्योंकि डर लगता है, उसको भी सिलेक्ट करा दिया 100%। हर साल ये थोड़े से मुट्ठी भर स्टूडेंट रहते हैं और सबका सिलेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, गरम पानी पिया, पेट साफ किया, नहा धो के तैयार और पढ़ाई शुरू। फूड सिस्टम इतना व्यवस्थित के 6-6 घंटे के गैप में मिलेगा और भरपूर 8 घंटे की नींद। देश भर के बच्चे जो रात रात जाग रहे हैं ना, वही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उनके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है और दिन भर की जो पढ़ाई है वो टेम्पररी मेमोरी में है, उसको परमानेंट मेमोरी में 8 घंटे की रात की ही नींद से कर सकते हो। और सुबह 4 बजे आप उठे, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ऑक्सीजन सो रिच, उस ऑक्सीजन को गहरी सांसों के साथ बच्चे लेते हैं मेरे यहां, और उनको पढ़ा हुआ एग्जाम हॉल में याद आता है। बल्कि मान लो कि मेरे कैंपस में उन्होंने नहीं पढ़ा, पहले पढ़ रखा है 1 साल 2 साल 3 साल, वो भी उनको दिमाग में आ जाता है। और ये सब पूरा पिक्चर मुझे क्लियर इसलिए हुआ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे से बच्चे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे फोन में बताया, कुछ लोग कोटा में पढ़ रहे थे, कुछ लोग बिहार के थे, और उसमें से कुछ बच्चों ने तो ट्रेन की टिकट लेने का प्लान ले कर लिया है और 1 या 2 दिन में मेरे कैंपस आ जाएंगे। मैं आप लोगों को भी सलाह करता हूं कि यदि ये 60 दिन का भरपूर उपयोग करना है और गेम को अपने पक्ष में करना है, तो मेरी सलाह मानिए, फोन करिए, बातचीत करिए, मेरे प्लान को समझिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा आपका होल्ड रहेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब मेहनत करना सिखाऊंगा, और एग्जाम हॉल में करना क्या है, चैप्टर आपको नहीं आता, उसका क्वेश्चन है, उसको किसी और चैप्टर की मदद से कैसे कर दिया जाए। एग्जाम हॉल में दिमाग शांत रहे, घबराहट हावी ना हो। प्यारे बच्चों, जीतना है तो कॉल करो, बात करो, व्हाट्सएप करो, मेरे से जो मटेरियल वगैरह चाहिए PDF में वो ले लो, और इन केस आप लोगों ने ये 2 महीने
यूं ही रैंडमनेस निकाल दिए, जैसे पिछले एक साल, दो साल, तीन साल निकाल दिए। तो भाइयों और बहनों, प्राइवेट कॉलेज में जॉब जो जनरली ऑफर होते हैं वो 15,000-20,000 रुपए महीना होते हैं, जबकि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि ई रिक्शा चलाने वाला भी रोजाना 1,000 रुपए कमा रहा है, यानी कि वो ज्यादा काबिल है। और यदि IIT आप पहुंच गए, NIT पहुंच गए इन दो महीनों की मेहनत करके, तो दोस्तों IIT पहुंचकर आपने आवारागर्दी करी तो भी 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए का तो जॉब यूं ही मिलेगा, और थोड़ी बहुत भी मेहनत करी ना तो आंकड़ा 1 करोड़ 2 करोड़ पार जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, कहना मानो, जिंदगी भर जूझने से अच्छा है कि इस 2 महीने मेरे कठिन कानून वाले इस रेसिडेंशियल कोचिंग में आप आए और जम के मेहनत करें। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करें, माँ बाप का सपना पूरा करें, और कमेंट में बताएं कि आपकी स्थिति क्या है जनवरी में, और अब अप्रैल और एडवांस के लिए आपके दिलो दिमाग में क्या प्लान है। यस, थैंक यू सभी प्यारे बच्चे, ऑल द बेस्ट।